चलो जी माइक को टेस्ट कर लें पहले तो कैसा है कैसा नहीं है, आवाज आ रही है? हेलो, यू कैन प्ले द वीडियो। हाँ मेरे ये सवाल थे, मेरे माइक ऊपर से लगाऊं या अंदर से लगाऊं? आज तो तुम देख रहे हो इनको, मैं इनके सारे सवाल के जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है और आज की जो वीडियो हमारी होगी वो उस हवाले से होगी। काफ़ी सारे लोग YouTube चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस पे नीचे सवाल मुझसे पूछा करते हैं, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के सवाल होते हैं अलग अलग तरीके से। तो कोशिश मेरी आज की वीडियो में ये होगी कि उन सवाल को एड्रेस करें किस तरीके से। जाहिर सी बात है क्योंकि मैं इस तरह का इंसान हूँ नहीं, मैं जनरली अपने बारे में बताऊँ कि आप YouTube स्क्रॉल करते करते मैं उनको जवाब दूँ, थोड़ा सा मैं सोशल इतना ज़्यादा हूँ नहीं। तो कोशिश मेरी यही होगी कि मैं वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं उनके सवाल का टेक्स्ट में या टाइप करके आंसर दूँ तो शायद मैं अपनी बात समझा भी ना पाऊँ और ना वो समझ पाएँ। तो मैंने कुछ लेटेस्ट 15-20 कमेंट्स थोड़े से शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो उनके ऊपर मैं थोड़ा सा आंसर करता हूँ। सबसे पहले अहमद भाई फरमा रहे हैं, भाई यार मुझसे दराज ने लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट सर्विस के चार्जेस लिए हैं। नंबर वन, ये क्या चीज़ है? कोई तरीका है कि हमारे जो पैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए हम टॉपअप में ऐड करते हैं वो हम वापस इजी पैसा है जस्ट कैश के जरिए निकलवा सकें, या फिर वो वापस सेलर सेंट्रल के अकाउंट स्टेटमेंट में चले जाएं? अच्छा, ऐसा तो कोई तरीका नहीं है। जो आपने एक बार पैसे डाल दिए अपने एड्स के जो अकाउंट होता है उसमें, एक बार जो डाल दिए आपने वो डाल दिए, वो निकल नहीं सकते। उन पर आप मजीद एड्स स्पेंड कर सकते हैं लेकिन उनको विड्रॉ नहीं करवा सकते, ये इजी पैसा है जैसे, या इवन के दराज के अकाउंट स्टेटमेंट में वापस भी नहीं करवा सकते। चारा फेंकता रहता है दराज की 50% कैशबैक हमारी तरफ से तो आप डाल दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इन भाई का दूसरा सवाल है, इनके पैसे कट रहे हैं लॉजिस्टिक्स और फुलफिलमेंट चार्जेस। अच्छा, कुछ तो कटते हैं देखें। अब जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर मैं कराची में अगर रहता हूँ तो मैं किसी को पार्सल बाहर भिजवा रहा हूँ दूसरे शहर, इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं भी बड़े, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक चीज़ के 99 rupees to 150 से ऊपर डिलीवरी चार्जेस कस्टमर के ऊपर नहीं आते। ये कौन सी चार्जेस होते हैं? ऑब्वियसली हम खुद परेशान हो जाते हैं कभी कभार कि जी ये कौन से चार्जेस हैं जो मतलब डिलीवरी चार्जेस इतने कम किस तरीके से होते हैं। तो कुछ तो वो आपसे पूरे करते हैं, ठीक है, जो वेयर हाउस वगैरह में पैकिंग वगैरह के होते हैं। दूसरी चीज़ जो लॉजिस्टिक्स और फुलफिलमेंट में अकाउंट स्टेटमेंट में आपकी बढ़ती है वो FBD सेलर्स की बढ़ती है, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा पैसे कट रहे हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें लाइव चैट के थ्रू कि यार ये क्यों कट रहे हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा अगर हैं तो वो सिर्फ FBD मतलब फुलफिलमेंट में दराज वाले सेलर्स की कट्टे जिन्होंने अपना स्टॉक दराज के पास वेयर हाउस में रखाया होता है। अच्छा जी, तो अगला सवाल पूछे हैं, बाबर साहब का सवाल है। ये कह रहा है, सर प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर एक प्रोडक्ट में 1000 का सेल कर रहा हूँ तो वही दूसरा सेलर 100 का बेच रहा है। सैडली बट इट्स ट्रू, ये बहुत ज़्यादा हमें भी दुश्वारी पेश आती है पहले। और ऑब्वियसली अगर भाई कोई इंडिविजुअल है मेरी तरह तो थोड़ा सा उनको मेरा ये एडवाइस होगी, थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च करें, थोड़ा देखें, मतलब देखें जमीन के, रिसर्च करें मार्केट को कि किस तरीके से लोग मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, उसके बाद ही आप लिस्ट करें। ऐसे अपने पास स्टॉक उठा के रखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला कि आपने स्टॉक जमा करके रख लिया और आपको फिर पता चल रहा है आपने स्टॉक ले लिया कि मेरा प्रोडक्ट इतने का नहीं है तो इतने का ऑलरेडी बिक रहा है। हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ से, मैं बहुत जेनरली मैं खुद एग्री करूंगा इस चीज़ से, क्योंकि होलसेलर दराज पे काफ़ी सारे खुद बैठ गए और मार्केट ख़राब कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भाई हम सभी थोड़ा सा डसना है, कोशिश करें कोई ऐसी नीच, कोई ऐसी कैटेगरी में जाएं, थोड़ी रिसर्च करें जिस पे कम लोग हों, ज़्यादा ना हो, और अगर ज़्यादा लोग भी हैं तो थोड़ा सा अपनी पिक्चर्स डिफरेंट कर लें या फिर टाइटल थोड़ा चेंज कर लें, समझ रहे बात को, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। अच्छा, तनवीर हुसैन साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या दराज पर सेलिंग मोबाइल स्मार्टफोन से स्टार्ट कर सकता हूँ या लैपटॉप का होना ज़रूरी है? देखें, कहने को ये बात सही है कि आप मोबाइल से अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाना और दराज पे काम करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अकाउंट बना, अब मेरा सारा काम जब मुझे, मैं सब सच बताऊं, मैं सिर्फ कब खोलता हूं अपना लैपटॉप, जब मुझे प्रिंट निकालने होते हैं, ठीक है, दराज के काम में की मैं बात कर रहा हूं, जब मुझे प्रिंट निकालने होते हैं या जब मुझे लिस्टिंग करनी होती है, जब मुझे एक्सम फिल करना होता है, बस ये तीन चीज़ें जो मैं दराज मैं सेलर सेंट्रल जब मैं ओपन करता हूँ अपने लैपटॉप से, बाकी मैं फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग है, अगर उन्होंने जिस तरह कहा है कि तनवीर साहब ने कि उनको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन से वो काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी लैपटॉप की जो वेबसाइट है सेलर सेंट्रल दराज वो ही इतनी अनएक्यूरेट और इतनी फारिग तरीन है, तो मोबाइल से जो चांस नहीं है बॉस आपका। अच्छा जी, ये कोई है मेरे ख्याल से मोहतरम, डियर सैयद हारिस शाह, आई एम राइटिंग फ्रॉम यूरोप, माई डॉटर इन पाकिस्तान इज़ नाउ
taking care of our Daraz Sellers account. I want to change my bank details to her Easy Paisa account. Everything you described to upload Easy Paisa account is okay. Except branch name, which please let me know what should I do. Mention in the column. Thank you. अच्छा मोहतरमा, सबसे पहले तो मेरा आपको ये मतलब मोहतरमा आप जो भी है, तो मेरा आपको यही आंसर है कि अकाउंट चेंज नहीं हो सकता. अगर वो लोकल सेलर है आप तो हर किस नहीं हो सकता. अगर आप कंपनी या डीमॉल अकाउंट है तो वो कंपनी की ट्रांसफरशिप चेंज की जा सकती है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स उसकी चेंज नहीं हो सकती अगर लोकल अकाउंट है तो, क्योंकि Daraz की पॉलिसी में है, ठीक है. अगला सवाल अली अजहर साहब का, सर आपसे रब्ता कैसे होगा. अच्छा रब्ता कैसे होगा, अभी हमारा रब्ता ही तो हो रहा है अली अजहर साहब, कि जो भी आपके सवाल हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब अब से इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं वक्तन फवक्तन इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस बनाता रहूं, ताकि आप लोग जो सवाल मुझसे पूछते हैं, जो मेरे ऊपर फर्ज बनता है उनके जवाब देना, तो मैं उनको देता रहूं. तो आप जाहिर सी बात है मैं आपके साथ लंबी लंबी कॉलों में तो आना मुमकिन नहीं होगा, पर जो मैं नंबर बेसिकली, अच्छा मुझे एक और बात करनी थी, अच्छा याद आ गया, जो नंबर मैं यहाँ पे चलाता हूँ नीचे या फिर इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं शायद आपको मिल जाए मेरा मूड हुआ तो इस पे मैं लिखता हूँ कि फॉर सर्विसेज ऑनली. ऑनली लिखना थोड़ा मुनासिब नहीं लगता, पर वो लोग ज़्यादा हैं जो सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं, जिनकी क्यूरीज है, सवाल जवाब हैं या कुछ भी एक्स वाई जी, तो वो कमेंट्स में वो अपने सवाल पूछे. मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी करूंगा उनको डिटेल में जवाब दूँ. और ये जो लोग लिटरली इवन मुझे रात के 3-3 बजे, मेरा फोन दूसरा फोन है वो किसी और का ही मेरी टीम का, वो मुझे शिकायतें आती हैं कि रात के 3-3 बजे वो फोन बज रहा होता है कि जी एक के बाद एक. और लोगों में इतनी थोड़ी सी वर्क एथिक्स होनी चाहिए कि टाइम देख के कॉल करें और डायरेक्ट कॉल करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं डायरेक्ट वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तहजीब के दायरे में ला के करें. अच्छा जी अगला सवाल तंजीला शर्मीन कुछ हैं, ये आई नीड फेक रिव्यूज विदाउट अ परचेज, कैन यू प्रोवाइड इट. नहीं ये मैं प्रोवाइड नहीं करता, और आजकल थोड़ा बच के चले, आजकल Daraz की पॉलिसीज थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है, करें हल्का हाथ रखें, ठीक है, या करवाएं कोई एजेंट ढूंढ लें, या आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर लें, मैं आपको एक आध एजेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ. अच्छा जी सरीना सहेल इनका सवाल है, इनकम जनरेट का मैथड और सोर्स बताएं प्लीज. सर ये सोर्स ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और पिछली तकरीबन एक साल से लगातार वक्तन फवक्तन में अपनी वीडियोस डाल रहा होता हूँ, एक हफ्ता हर हफ्ते तीन चार, तो वो पूरी सोर्स है. आप हमारे Daraz के कोर्स को एक बार विजिट कर सकते हैं. अच्छा जी एक और सवाल, भाई Daraz मॉल अकाउंट कैसे बनाते हैं, शायद ये लिखना चाह रहे हैं. Daraz मॉल के लिए देखें थोड़ा सा इन्होंने एक ये लंबा सवाल है, इस बहस में मैं ऊपर के लिए जाऊंगा, आपको कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैं ऊपर से बताऊंगा, ठीक है. एक तो आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है, एक आपको कंपनी एंटीएन चाहिए होता है, एक आपको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक अदर चाहिए होता है, और आपको प्रूफ करना होता है आप मैन्युफैक्चरर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं ब्रांड की तरफ से. और कुछ रिक्वायरमेंट्स Daraz की हैं, जैसे वाइड बैकग्राउंड होना चाहिए हर पिक्चर का, और छोटी मोटी इस तरीके से स्टोर डेकोरेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए. ये बहुत एक लंबा डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात हो पाएगी, इतनी छोटे उसमें आंसर देना इसको मुश्किल है. अच्छा जी सिकंदर साहब पूछ रहे हैं, काइंडली सर ये तो बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का पोस्ट करते हैं, तो अगर वो Daraz की सेल आती है वो प्रोडक्ट 800 का हो जाए और परचेज भी हमारी 800 हो, तो फिर तो हम लॉस में हुए, काइंडली समवन हेल्प मी. देखिए मेरी बात सुने, स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी एक अच्छी वो होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई सेल आने वाली है, अभी देखें 11-11 मुझे पता है आने वाली है, लेकिन उसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ. तैयारी इस तरीके से नहीं करूँगा कि मैं स्टॉक लेके लाऊंगा अपने पास रख लूँ, ठीक है. तैयारी मेरी क्या होगी इस वक्त, कि जो मैं नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा उनको मैं कोशिश करूंगा 100-200 ऊपर में करूँ, समझ लें मेरी बात को, 100-200 रुपये या 300 रुपये ऊपर अपने प्राइस रखूँ, थोड़ा सा कम कमा लूँ, अभी इन दिनों चलता है मुझे कोई इशू नहीं है. लेकिन जब सेल आएगी उसमें ह्यूज सेल होती है लिटरली, तो उसमें जब प्राइस मुझे कम करनी पड़े तो वो कम होके भी उतनी हो कि मुझे वारा खाए, इन इजी टर्म्स कि मुझे वारा खाए, मुझे नुकसान ना हो, ठीक है. तो पहले से ही हम थोड़ी बढ़ा देते हैं. हाँ अगर पुरानी लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस मत छेड़िएगा 60 डेज के पहले कैंपेन से, क्योंकि वरना प्राइस हाइक की पॉलिसी आपके ऊपर लागू हो जाती है Daraz की तरफ से. तो सॉरी भाई आप तो थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स की या तो सोर्सिंग गिरानी पड़ेगी या तो आपको सेलिंग थोड़ी हाई करनी पड़ेगी, तो फिर वरना तो लॉस ही हो जाएगा अगर आप सेल में डालेंगे तो. एक और सवाल जुबैर साहब का, आई हैव जस्ट 5K, डिड दिस गिव मी एनी प्रॉफिट, कैन आई सेल टी शर्ट ऑन Daraz, डिड दिस वर्थ इट फॉर माई न्यू अकाउंट. अच्छा जी इनका सवाल है कि उनके पास 5000 हैं, क्या वो इसमें
प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और वो टी शर्ट्स वगैरह सेल कर सकते हैं दराज के ऊपर। हाँ, आप कर सकते हैं बिल्कुल ह्यूज क्वांटिटी में ना जाएं, थोड़ी सी क्वांटिटी लें, या क्वांटिटी की जगह ड्रॉप शिप पे अगर आपका होलसेलर काम करने को तैयार है तो आप ड्रॉप शिप करें 5,000 रुपीज में, तो आपका ये काम इंशाल्लाह ताला छोटे से बड़ा हो जाएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, एक और सवाल, जब रिस्पॉन्स नहीं देना होता तो नंबर क्यों देते हैं अपना? वेरी डिसअपॉइंटेड, डायरेक्ट डिसअपॉइंट ही हो गया मतलब ये भाई तो बिल्कुल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि नंबर जो मैं देता हूँ वो लिखा हुआ होता है कि सर्विसेज ओनली लिखता, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो वो सर्विसेज के लिए नंबर होता है कि जो इस चक्कर में पता है क्या होता है, जो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं जो जेन्युइन सर्विसेज वाले होते हैं ना, उनको हमारा रिप्लाई जा नहीं पाता, ठीक है? तो ये होता है। हाँ, सर्विसेज के अलावा हमने ड्रॉपशिप के ऊपर भी वो नंबर डाला था, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी यूज कर लें और आए और सिर्फ अपना नाम बता दें और जैसे ही आपका ऑर्डर आए तो हमें बता दें। ऑनलाइन शॉपिंग कोई करके हैं, अकाउंट नंबर क्या लिखना है? यार आप ऐसा सवाल तो ना पूछें मुझसे आप कि इजी पैसा वाली वीडियो के ऊपर पूछ रहे हैं कि अकाउंट नंबर क्या लिखना है। अब आप चाहे तो हमारा जो सर्विसेज का नंबर होता है वो लिख सकती हैं, लेकिन आपको अपना ही लिखना है। अच्छा जी, डी मॉल वाली वीडियो पे सवाल है, डी मॉल पे ड्रॉप शिपिंग हो सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा जी, एक और सवाल, सर आपकी टीम व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करती है, कम्युनिटी में प्रोडक्ट की सारी उनकी शक्ल नहीं लेती है और ना ही कोई अच्छी फोटोज़ हैं जी, इसकी वजह से प्रोडक्ट लेते नहीं। इनका एक सवाल है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम दराज के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हम अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में डालते हैं, तो उसके ऊपर इनका कहने का मकसद ये, एक तो हम उनको रिप्लाई किया करें, दूसरा हम उस पिक्चर के साथ उसके डिस्क्रिप्शन भी डाला करें, उसकी बहुत सारी पिक्चर्स डाला करें एक एक प्रोडक्ट की, ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। किताब सुनो 9725 मेरे भाई, ऐसा करना पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? अब एक एक प्रोडक्ट को हम अगर उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताएं आपको, ड्रॉप शिपिंग एक तो हम आपको दे रहे हैं, अगर हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताएं, अगर हम आपको उसकी सारी पिक्चर्स भेजें अलग अलग एंगल से ले लेके, तो इससे अच्छा ये नहीं है आप हमें आईडी पासवर्ड देते, मैं आपके अकाउंट पर लिस्ट ही कर देता हूं डायरेक्ट, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद मलिक साहब पूछ रहे हैं, विच प्रोडक्ट हैज़ मोर डिमांड ऑन दराज, किस प्रोडक्ट की दराज पे ज़्यादा डिमांड है? ठीक है यार, डिमांड सच कोई ऐसी नहीं है, इसको मैं ऐसा कह सकूँ कि ये प्रोडक्ट चलती है और वो नहीं चलती, चलता सब कुछ है मेरे भाई, बस स्ट्रेटजी राइट होनी चाहिए। और मैं थोड़ा दिमाग फिर आके अगर बात ना करूँ, सीधा आपके सवाल के ऊपर आऊँ, तो आपका सवाल का जवाब है हेल्थ एंड ब्यूटी, ठीक है? क्यों हेल्थ एंड ब्यूटी? उसकी वजह ये है कि दराज ने हेल्थ एंड ब्यूटी बैन कर दी और सिर्फ डीमॉल सेल्स उसको सेल कर सकते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी को, जो बचे हुए हैं वो गरीबी में बच गए, गरीबी समझते हैं आप, तो वो थोड़े से बच गए तो बच गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी हटा रहा है दराज लोकल सेलर्स को, तो वो जिस चीज़ की जाहिर सी बात इस कैटेगरी की सेलर्स कम होंगे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है, तो हेल्थ एंड ब्यूटी में। अच्छा जी, दराज मॉल के हवाले से एक और सवाल, दराज मॉल पे कितना कमीशन लगता है? दराज मॉल पे उतना ही कमीशन लगता है जितना लोकल सेलर्स का लगता है, तो कमीशन में कोई चेंज नहीं है ना दराज मॉल के ना लोकल सेलर के। अच्छा जी ब्रो, प्रोडक्ट सबमिट एरर हटा है, वीडियो बनाओ यार, हटा दें, पता नहीं कुछ इस मेरे ख्याल से लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट सबमिटेड का एरर आ रहा है, उसको हटाने का तरीका बताएं या वीडियो बनाएं। देखें यार, आ जाता है अक्सर क्योंकि इनके सिस्टम में बेइंतहा ग्लिचेस हैं, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि रात को मैं वीडियो बनाऊंगा, सॉरी रात को मैं प्रोडक्ट अपलोड करूंगा तो वो अपलोड नहीं होगी, लिस्टिंग सबमिट नहीं होगी, सुबह अक्सर हो जाएगी, ये फैक्टर बहुत बड़ा है। और इसमें आप देख लीजिएगा कि आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो, कि अगर आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो वो आप बैन हो गई हैं लोकल अकाउंट्स पे, एरर आ जाता है, ठीक है? आपकी कोई इस तरीके के प्रोडक्ट्स हो जिस पे आप किसी ब्रांड का नाम यूज़ कर रहे हैं, कोई अब्यूजिव वर्ड यूज़ हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या कोई थोड़ा वल्गर कुछ वर्ड यूज़ हुआ है कोई, तो इनका एल्गोरिथम भी बड़ा वाई आता है दराज का भी, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला सवाल है, इंपोर्ट कैसे करवाते हो? मुझे आपको बताओ तो मुझे ही बता दीजिएगा। बाय द वे, आजकल बैन है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है वक्त पर वक्त ना, क्योंकि हमें हमारी गवर्नमेंट को पैसे रखने हैं, डॉलर रखने हैं हमारे मुल्क में, तो इंपोर्ट करना आजकल थोड़ा रिस्की है क्योंकि कभी भी इंपोर्ट फिर से बैन और आपके जितना भी माल था वो फंस गया और कस्टम में आप क्लियर करवाते करवाते आप पूरे हो जाओगे, तो थोड़ा अवॉइड करें आजकल। अच्छा, हमें सप्लायर कहाँ से मिलेंगे या होलसेलर? अच्छा, इसके लिए मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी। जैसे कि आपने ये सवाल किया है ना कि कहाँ से मिलेंगे होलसेलर या सप्लायर्स, तो आप ये सवाल YouTube पे भी लिख सकते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, राबिया साहिबा पूछ रही है मुझसे, प्लीज़ ऑर्डर की कम्प्लीट डिटेल, पैकेज का वेट वगैरह सारी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दें।
अच्छा ड्रॉप शिपिंग की मेरे ख्याल से हवाले से मुझसे पूछ रही है कि ड्रॉप शिपिंग में मैं प्रोडक्ट डालता हूँ उसका वेट वगैरह दूँ। देखिए मिसाल के तौर पे ये एक लैपटॉप मेरा आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, इसकी मुझे एक आइडिया होगा कि यार ये 14 इंच की इसकी लेंथ है या वेथ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि मिसाल के तौर पे मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ तो उसको मैं 1-1-1 कर दूँ, लेंथ वेथ हाइट हाइट इसकी 1-1-1 इंच कर दूँ, ऐसा नहीं करें, एक अंदाजे पे करें। आप ऐसा भी नहीं करना आपने कि स्केल लेके आप खुद या मेजरमेंट करने बैठ जाएं, कि एक अंदाजे पे कर लें कि ये प्रोडक्ट यार कितने इंच की होगी। मुझे पता है इतना मेरा लैपटॉप है 14 या 15 इंच का, तो मैं 14, 10, 15, 12 इस तरह करके मैं काम चला लूंगा एक आइडिया के थ्रू। कोशिश करें कि अंडर 15 रखें, क्योंकि वरना कस्टमर को आपको डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा पड़ जाएंगे, इसकी वजह से आपके ऑर्डर आने के इम्कान बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब कुछ थोड़े से मिले हो, क्योंकि सवाल देर बस काफ़ी सारे जमा हुए थे, हर एक पे करते हो तो फिर 2 घंटों की वीडियो निकल जाएगी। तो हमने लास्ट के मेरे ख्याल से 15 या 20 सवाल शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा, जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं फिर से यहाँ पे चला दूंगा, तो जिनको रब्ता करना है वो सर्विसेज के लिए सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच जी, जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। What?